वीडियो में सड़कों पर भारी भीड़ को आप देखकर सोच रहे होंगे कि इतनी भीड़ क्यों है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये इतनी भीड़ क्यों लग रही है। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नेतृत्व में जौनपुर में एक जन एकता यात्रा निकाली गई थी। इसमें भारी भीड़ जुटी। कहने के लिए तो एक यात्रा है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कोई शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। आखिर नेताजी अपनी शक्ति प्रदर्शन क्यों न दिखाए। पूर्व सांसद जो ठहरे, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि धनंजय सिंह ने सारी तैयारी अभी से ही पूरी कर ली। इस एकता यात्रा पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है, जिसके बाद धनंजय सिंह और उनके समर्थकों पर जौनपुर में एक नया केस दर्ज कर लिया गया। उनके 12 समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है। पूर्व सांसद और उनके समर्थकों पर गलत ढंग से भीड़ जुटाने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप लगाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि धनंजय सिंह को इतनी ज्यादा भीड़ जुटाने की जरूरत थी? अगर वहाँ पे कुछ हाथाहाथ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और सबसे बड़ा सवाल उठता है ये कि कोई प्रतिनिधि इस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो आम लोगों का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।